रानीगंज थाना के आमरासोता पुलिस चौकी अंतर्गत पंजाबी मोड़ के पास रविवार की देर रात दो दुकानों में भीषण आग लग गई। एक मछली की दुकान और एक चाय की दुकान इस अग्निकांड में जलकर राख हो गई। दमकल की एक इंजन ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जाता है मछली दुकान में रखी 1.5 से 2 क्विंटल मछलियां जलकर राख हो चुकी हैं। रानीगंज थाना के आमरासोता पुलिस फाड़ी अंतर्गत पंजाबी मोड़ के पास रविवार की देर रात हुए भीषण अग्निकांड में दो दुकानें जलकर राख हो गई। इनमें एक दुकान मछली और दूसरी चाय की थी। बाद में घटना की सूचना पाकर दमकल का एक इंजन घटनास्थल पर पहुंचा और दुकानों में लगी आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल सका है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाबी मोड़ के पास रॉयल केयर अस्पताल के सामने अचानक उन दोनों दुकानों में आग लग गई। जिस वक्त ये घटना घटी दोनों दुकानें बंद थी। थोड़ी देर में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों दुकान धू धू कर जल उठी। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पहले पुलिस को दी, इसके बाद दमकल विभाग को जानकारी दी गई। रानीगंज दमकल विभाग के प्रभारी फयाज अहमद खान ने बताया कि दमकल का एक इंजन घटनास्थल पर पहुंचा था। इस दौरान देखा गया कि दोनों दुकान बंद थी, इसलिए ताला तोड़कर दोनों दुकानों में लगी आग को नियंत्रित किया गया। इनमें से एक दुकान के भीतर गैस सिलेंडर रखा हुआ था। राहत की बात ये रही कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ। जिस जगह पर यह अग्निकांड हुआ वहां आसपास और भी दुकानें हैं, इसलिए आग दूसरी दुकानों में भी फैलने की आशंका थी। उन्होंने कहा कि आग कैसे लगी इसके कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। इस मामले की जांच की जा रही है। मछली दुकान के मालिक सोमनाथ धीवर का कहना है कि स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर वे घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि दुकान में रखी लगभग 1.5 से 2 क्विंटल मछलियां जलकर राख हो चुकी हैं। उसकी दुकान में आग कैसे लगी इस बारे में फिलहाल वो कुछ भी बोलने में असमर्थ है, लेकिन इस अग्निकांड के पीछे साजिश होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। राम बाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।